तो चलो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ओपेरियन एंड हेंडलिन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताना भूल गया था। ओपेरियन एंड हेंडलिन कहते हैं, ओपेरियन एंड हेंडलिन कि जो है प्रिमिटिव अर्थ में टोरियंटल रिंग्स हो गए थे। अंडरस्टैंड, जब जमीन का टेम्परेचर कम हुआ था, जब ऊपर एटम्स ने जो है रिएक्शंस करके मॉलिक्यूल्स बनाए थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे, तो असल में उसके बाद जब वाटर वेपर बना था, जब ये मॉलिक्यूल बना था, तो उसको ऊपर जाकर जो है कंडेंसेशन हो गई थी। अंडरस्टैंड, कंडेंसेशन होने के बाद दुनिया भर में कहते हैं बारिशें हो गई, टोरियंटल रेन्स, टोरेंटियल रेन्स जिनको हम कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा तेजी से बारिशें जो हुई, और उस तरह जो है बारिशों की वजह से जो है जमीन के जितने भी खड़े थे वो जो है पानी से भर गए, तो ओशंस वजूद में आ गए। तो पानी ने अपने साथ इन केमिकल्स को जो है समंदर में लाया, इस तरह ये केमिकल्स जो है समंदर में पनपते गए। अंडरस्टैंड, और समंदर में एक जो है इन्होंने एक सोल्यूशन जैसा क्रिएट किया जिसको हेल्डेन ने बताया था प्रीबायोटिक सूप। अंडरस्टैंड, इसको इसने प्रीबायोटिक सूप का नाम दिया था, सूप का नाम दिया था। तो इसी प्रीबायोटिक सूप ने जो है इसी में रिएक्शंस होते गए, सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक बनते गए, सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनते गए। तो इस तरह जो है पहली जो लाइफ थी वो वाटर से ही वजूद में आ गई। अंडरस्टैंड, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, तो वाटर से फिर ये लैंड पे आती गई लाइफ, और फिर जो है लैंड पर भी पनपती गई। हाँ, वो कैसे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन वर्ड जो है ये एक लेटिन वर्ड से निकाला गया है, जिसको हम कहते हैं इवोल्व वर्ड है। इवोल्व वर्ड का मतलब है, इसका मतलब है टू अनफोल्ड और टू अनरोल। इन सिंपल सेंस हम इसका मतलब बोलेंगे, एवोल्यूशन का मतलब है टू डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस, है टू डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस, यानी आगे बढ़ते रहना और मॉडिफाई होते जाना। अंडरस्टैंड, जैसे आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें म्यूटेशंस आती जाती है, वेरिएशंस आती जाती है, तो वेरिएशंस के साथ साथ जब वो वेरिएशंस आती है एक्युमुलेट हो जाती है, तो फाइनली वो मॉडिफाई हो जाते हैं और एक नई स्पीशीज बन जाते हैं। अंडरस्टैंड, इसी तरह दुनिया में जब पहले प्रोकैरियोट्स वजूद में आए थे, कौन आए थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स आई थी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स धीरे धीरे मॉडिफाई होकर यूकैरियोटिक हो गए थे। अंडरस्टैंड, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, अनरोल, अनफोल्ड होकर उन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स को जो है जन्म दिया। फिर यही यूकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेल्यूलर जो थी, जैसे प्रोटोजोआ, वो चेंज हो गए और जो है यू मेटाजोआ, जो है पैराजोआ, उसके बाद यू मेटाजोआ, प्लांट्स की बात करें तो एल्गी से होकर फिर वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स होते गए। अंडरस्टैंड, दैट मींस जो एवोल्यूशन का वर्ड है ये निकला एक लेटिन वर्ड से इवोल्वियर, जिसका मतलब है आगे बढ़ के जो है आगे बढ़ते रहना और थोड़ा वक्त के साथ मॉडिफाई होता जाना। एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम तो लगता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, हमारी लाइफ में हमको दिखता नहीं है, बिकॉज यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल इंसान जी सकता है। तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एवोल्यूशन जो है ये एक स्लो चेंज है। अंडरस्टैंड, एंड एवोल्यूशन जो है ये कंटिन्यूअस चेंज है, कंटिन्यूअस चेंज है। अंडरस्टैंड, जब तक दुनिया है तब तक जितनी भी चीजें इसमें हैं वो इवॉल्व होती ही जाएगी। अंडरस्टैंड, एवोल्यूशन अगर आप देखोगे, इंसान में एवोल्यूशन होता गया, पहले का इंसान जंगल में रहता था, आज का इंसान अगर चाहे तो चांद पर भी रह सकता है। अंडरस्टैंड,
पहले का इंसान जो है गुफाओं के अंदर रहता था, केव्स के अंदर रहता था, कच्चा सब कुछ खा जाता था। आज का इंसान आप देखते हो कहां तक पहुंचा है, अंडरस्टैंड? बट दिस इज एवोल्यूशन, स्टेप वाइज एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन, स्टेप वाइज मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेन, स्टेप वाइज इंटेलिजेंस जो है इंक्रीज होती गई, अंडरस्टैंड? एंड नाउ डेज वी कैन फ्लाई इन द फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट लुक एट द मैन, अर्ली मैन, उनके पास वो वेल कार्ड्स हुआ करते थे, या पहले था ही नहीं कम्युनिकेशन का कोई सहारा। तो दैट्स एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड? तो जो टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े हैं, एडवांसमेंट हो चुकी है, दैट्स एवोल्यूशन। एंड जो आज आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं, दैट्स एवोल्यूशन, वो भी एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशंस डू नॉट स्टे द सेम थ्राउट द ईयर, थ्राउट द लाइफ स्पैन। देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड लाइकवाइज अकॉर्डिंग टू द चेंज टू एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप स्पेशल कैरेक्टर्स विच एनेबल देम टू सर्वाइव इन दैट चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। दैट्स अडेप्टेशन, अंडरस्टैंड? एंड लाइकवाइज ड्यूरिंग दैट अडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, दे डेवलप द चेंज इन देमसेल्व्स एंड दे मॉडिफाई स्लोली। व्हेन दे मॉडिफाई स्लोली दैट मीन्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन सम ईयर्स ऑफ टाइम, इन सम ईयर्स दे जस्ट गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्पीशीज इनटू अनदर स्पीशीज, अंडरस्टैंड? एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, एवोल्यूशन का मतलब होता है मॉडिफाई होना, डिसेंड होना, आगे बढ़ते रहना, थोड़ा सा मॉडिफाई होकर, अंडरस्टैंड? देन अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो एवोल्यूशन इज अ एवोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एवोल्यूशन को सिंपल सेंस में हम कहते हैं डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन। मैं कहूंगा ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन, है एक ऑर्डरली चेंज, एक कंडीशन से होकर दूसरी कंडीशन में जो ले जाती है चीजों को, अंडरस्टैंड? ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है? एक फॉर्म से होकर दूसरे फॉर्म में जो है चले जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड? तो एवोल्यूशन ऐसा ही एवोल्यूशन, ऐसी ही चेंज, जब वक्त के साथ साथ यही चेंज सेटिलर सबस्टेंसेस में आए, यानी जब सच अ चेंज इन द सेटिलर सबस्टेंसेस इन द स्टार्स फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, इसको हम बोलते हैं सेटिलर एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सेटिलर एवोल्यूशन, तारों में चेंज आना, अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं सेटिलर एवोल्यूशन। जैसे पहले एवोल्यूशन दुनिया में हुआ था, यूनिवर्स का वजूद आया था, स्टार्स बने थे, गैलेक्सीज बनी थी, अंडरस्टैंड? उसके बाद यही चेंज जब आई नॉन लिविंग केमिकल सबस्टेंसेस में, सच ए चेंज इन नॉन लिविंग केमिकल सबस्टेंसेस, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया ओपेनहाइम हेल्डियन थ्योरी में, मैंने कहा जब चेंज लाइफ ओरिजिनेट हो गई फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल सबस्टेंसेस, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे चेंज होते गए, मॉडिफाई होते गए, एंड दैट वॉज एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड? नॉन लिविंग केमिकल सबस्टेंसेस विद टाइम, नॉन लिविंग केमिकल सबस्टेंसेस में टाइम के साथ साथ चेंज आना, है टू फॉर्म फर्स्ट लिविंग सेल्स। ए तो जब उन्होंने बनाई पहली लिविंग सेल्स, इसको हम कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन। तो दुनिया में पहले हुआ सेटिलर एवोल्यूशन, उसके बाद हुआ केमिकल एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड? अब केमिकल एवोल्यूशन से नॉन लिविंग केमिकल सबस्टेंसेस जो है वो इवॉल्व होकर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने लिविंग सेल्स बनाई, अंडरस्टैंड? दैट वॉज कॉल्ड एज केमिकल एवोल्यूशन। और यही चेंज जब किन में आई, लिविंग थिंग्स में आई, जब लिविंग थिंग्स बन गए, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आ गए, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी चेंज आती गई और आज भी आ रही है उनमें चेंज। तो सच चेंज इन लिविंग थिंग्स विद टाइम, लिविंग थिंग्स में ऐसी चेंज आना है वक्त के साथ साथ, है टू बिकम एडवांस्ड, है तो आगे चलते रहना चेंज होकर, इसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं?
बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, जो आज आप रिजल्ट देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ 1.4 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप दुनिया में देखते हो, ये बिकॉज ऑफ इस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की वजह से है. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन दिस एवोल्यूशन कंसेप्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वॉज गिवन बाय डार्विन. अंडरस्टैंड ये डार्विन ने दिया था. एंड डार्विन ने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन का क्या रोल रहता है किसमें, एंड ही एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन, है कि नेचर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एवोल्यूशन के आने में, अंडरस्टैंड, चेंज होने में, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में आ जाने में, अंडरस्टैंड. तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है ये स्टेट करता है कि जो भी प्रेजेंट डे मॉडर्न जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी आज हम पाए जाते हैं एडवांस्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम, दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर सिंपल वंस. तो कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेजेंट डे, जो भी आज के प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देखो जो भी आज कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पाते हैं कहां पर, जो जमीन पे आज पाए जाते हैं, इट स्टेट्स दैट द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर सिंपल वंस, जो इनसे पहले सिंपल वंस रहते थे उनसे ही इवॉल्व हो गए. अंडरस्टैंड, ठीक है. तो आज का इंसान आप देखिए, इसके भी एंसेस्टर जो थे बहुत सिंपल एप लाइक एंसेस्टर्स थे, अंडरस्टैंड, जिनमें इतनी एडवांसमेंट नहीं थी. अब हम कहां पहुंचे हैं, अंडरस्टैंड, वो बंदर ना रहे हम, और जो है दुनिया के कोने कोने में जाकर जो है हम बस चुके हैं, और जो है डिफरेंटली मॉडिफाई हुए हैं हम, ठीक है, कलर में चेंज हुए हैं, बॉडी फीचर्स में चेंज हुई है, ब्रेन में चेंज हुई है, वक्त के साथ साथ हमारे चलने में, हमारे पैरों में, टांगों में, बाजुओं में, सब में चेंज आई वक्त के साथ साथ, और इंसान जो है मॉडिफाई होता गया. अंडरस्टैंड, तो ये है एवोल्यूशन. अंडरस्टैंड, तो कहते हैं अगर एक बायोलॉजिस्ट है, उसका नाम मैं इसमें भूल गया, वो कहता है कि अगर इस बायोलॉजी में कोई चीज सेंस जो है, किसी में सेंस है, तो बाकी अगर हम छोड़ेंगे तो वो है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर है, राइट है, और एवोल्यूशन हमें बताता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज आप देखते हैं दुनिया में, ये सब जो है ये इवॉल्व हो गए हैं अर्लियर जो जितने भी सिंपल वंस थे उनसे. तो हमने पढ़ने हैं कि दुनिया में सच में एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, इसके हमने कुछ एविडेंसेस पढ़ने हैं, हाँ, जिनको हम बोलते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. वी विल टच द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ एविडेंसेस, और पहले हम पढ़ेंगे जो है जिसको हम बोलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी और कंपेरेटिव एनाटॉमी से जो हम कुछ एविडेंसेस बताएंगे आपको, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है. एक तो एवोल्यूशन का कंसेप्ट मैंने दे दिया आपको, एवोल्यूशन क्या है, मॉडिफाई होना, वक्त के साथ साथ चेंज होते रहना. तो मैंने कहा एवोल्यूशन होता तो कंटिन्यू है, बट एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसका हमें अंदाजा नहीं होता है. तो अगर एवोल्यूशन दुनिया में हुआ है तो क्या हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं इसकी, जो हमें बताती है कि जो है दुनिया में सच में एवोल्यूशन हुआ है. तो पहली एविडेंसेस जो है मैं लूंगा कहां से, मॉर्फोलॉजी और कंपेरेटिव एनाटॉमी से. मॉर्फोलॉजी आप जानते हैं, जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. एंड एनाटॉमी आप जानते हैं, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर वाले ऑर्गन्स के पढ़ने को हम कहते हैं एनाटॉमी. हाँ, तो जब हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से हम जो कुछ एविडेंसेस लेते हैं, उनसे हमें क्लियर हो जाता है कि दुनिया में सच में एवोल्यूशन हुआ है. अंडरस्टैंड, ऐसी एविडेंस एक में दूंगा होमोलोगस ऑर्गन्स की. अंडरस्टैंड,
होमोलॉगस ऑर्गेन्स आप देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं होमोलॉगस ऑर्गेन्स, आप जानते भी है। होमोलॉगस का मतलब होता है होमो मीन्स सेम एंड लोगोस मीन्स रादर वी कैन स्टडी, या सेम शेप के जो होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के जो होते हैं, अंडरस्टैंड। देन होमोलॉगस ऑर्गेन्स जो है, ये टर्म पहले दी थी एक बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था रिचर्ड ओवन, एंड ये टर्म होमोलॉगी इसी ने दी थी। होमोलॉगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ऑर्गेन्स जो, जिन ऑर्गेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऐसे ऑर्गेन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनको ओरिजिन सेम होता है। ओरिजिन का मतलब है कि अगर वो किस जर्म लेयर से डिराइव हुए हैं, अगर एक एक ऑर्गेनिज्म में वो एक्टोडर्म से बने हैं तो अगले में भी एक्टोडर्म से ही डिराइव हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सेम ओरिजिन। तो स्ट्रक्चर सेम, ओरिजिन सेम एंड फंडामेंटल प्लान सेम, बट फंक्शन इज डिफरेंट, लेकिन इनमें फंक्शन डिफरेंट होती है। दे हैव बीन अडैप्टेड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, बट नेवर्थलेस दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड इन ऑल ऑफ देम दे हैव सेम जो है ओरिजिन है। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स को हमने डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम ऑरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन देम। जब भी इनका डेवलपमेंट होता है इन एनिमल्स में, इनका होमोलॉगस ऑर्गन्स का जब भी डेवलपमेंट होता है इन एनिमल्स में, तो जो डेवलपमेंटल प्लान है जब ये बन रहे होते हैं तो सेम डेवलपमेंटल प्लान से ये बन रहे होते हैं, हाँ सेम डेवलपमेंटल प्लान से बन रहे होते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होता है, जब ये पूरी तरह बन जाते हैं तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई होते हैं पर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, अंडरस्टैंड, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये मॉडिफाई होते हैं। मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, जैसे जो है मैं एग्जांपल दूंगा आपको, फॉर एग्जांपल फोर लिम्स आप जानते हो, आगे वाले जो आगे वाली टांगे होती है, हमारे अब दो ही टांगे हैं तो हम आगे वालों को लिम्स को कहते हैं बाजू, ठीक है। तो फोर लिम्स जो होते हैं, फोर लिम्स जैसे मैन के फोर लिम्स ले लो आप, चीता के ले लो आप, ठीक है, इसके अलावा आप वेल के ले लो और बैट के ले लो, ठीक है, ये सब के सब मैमल्स है, अंडरस्टैंड। बैट जो है फ्लाई करता है, मैमल वेल जो है वो स्विम करता है, चीता जो है वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, और मैन जो है इन फोर लिम्स से क्या करता है, जैसे अभी आप में, अभी मैंने मार्कर इसमें होल्ड किया है अपने हाथ से और आपको जो है पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। इन मैन जो फोर लिम्स होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड फॉर ग्रास्पिंग थिंग्स, अंडरस्टैंड, इससे हम चीजों को होल्ड करते हैं, सीधी बात है, चलते नहीं है। चीता जो है इनसे जो है फास्ट रनिंग के लिए जो है ये माना जाता है, ये बहुत तेज दौड़ता है अपने फोर लिम्स के बल पे, हाँ। वेल जो है उसके फोर लिम्स को हम फ्लिपर्स बोलते हैं, तो ये इनसे स्विमिंग का काम करती है, अंडरस्टैंड। और बैट जो है ये फ्लाइंग का काम करती है इससे, ठीक है। तो बैट्स जो है वो फ्लाई करते हैं, वेल स्विम करते हैं, चीता रनिंग के लिए, मैन ग्रास्पिंग थिंग्स के लिए। व्हाट इज ऑल दिस, दिस इज डिफरेंट फंक्शन, बट अगर आप देखोगे इन सब में इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, इनका ओरिजिन सेम है, अंडरस्टैंड। और अगर देखा जाए तो सबके सब में जो फोर लिम्स होते हैं, तीन बेसिक हड्डियों के बने होते हैं जिनको हम कहते हैं ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। सब के सब जो होते हैं वो सेम जो है, इनमें तीन बोन्स होती है आपकी फोर लिम में, यहां एक हड्डी, यहां दो हड्डियां होती है। उसके बाद उसी तरह से रिस्ट वाली बोन्स जिनको हम कहते हैं कार्पल्स, फिर पाम वाली बोन्स मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, सब के सब में ऐसा ही होता है और सब के सब में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। बट देखा जाए तो इन सब में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है अलग अलग जो है
ये एनवायरमेंट्स में रहकर अलग अलग तरीकों से इन्होंने अपने जो है इसको जो है मॉडिफाई किया अपने बॉडी पार्ट्स को, और अलग अलग तरीके से जो अपने फोर लिम्स को मॉडिफाई किया। बट देखा जाए तो अगर इनको हम देखेंगे इनमें ये सेम स्ट्रक्चर होना इन होमोलॉगस ऑर्गन्स का, यह हमें इंडिकेट करता है कि इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से ताल्लुक है और कहीं ना कहीं इनका एक जैसा एंसेस्टर रहा होगा। जो भी एंसेस्टर होगा उसमें इसी तरह के जो है जो बॉडी प्लान होगा फोर लिम्स का, ऐसा ही स्ट्रक्चर रहा होगा। तो इसीलिए अलग एनवायरनमेंट में रहकर इनको ये अलग तरीके से मॉडिफाई करना पड़ा, तो फिर जाके इन्होंने जो है एडजस्ट करके इसको अडॉप्ट करके अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ इसको चेंज किया, तो एक नई स्पीशीज वजूद में आ गई। बट जो है देखा जाए तो इनका एंसेस्टर एक ही रह चुका है, दैट मीन्स दे आर कोरिलेटेड। हाँ, होमोलॉगस ऑर्गन्स की बात करूंगा मैं तो एक और एग्जांपल मैं दूंगा, माउथ पार्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कीड़े होते हैं उनमें माउथ पार्ट्स होते हैं जिनसे वो अपना फूड हासिल करते हैं, अंडरस्टैंड? तो इनको कहते हैं इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है? माउथ पार्ट्स इंसेक्ट आप जानते हो जो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, जिसके 6 टांगे होती है और यूजुअली 2 पेयर्स ऑफ लिविंग्स होती है, ठीक है? तो इनके माउथ पार्ट जो होते हैं इंसेक्ट्स के, किनके? इंसेक्ट्स के सब में एक लैब्रम होता है। अगर आप सबके माउथ पार्ट्स को स्टडी करोगे, एक लैब्रम होता है सब में, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, एक जोड़ा होता है मैंडिबल्स का, एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिले, और 2 जोड़े होते हैं मैक्सिले के। अगर आप कभी टाइम मिला, स्कूल शुरू हो गए, तो किसी इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स आपको मैं अंडर माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा, अंडरस्टैंड? जब भी आप देखोगे उसमें आप एक लैब्रम पाओगे, मैं दिखाऊंगा वो कहां होता है, दो मैंडिबल्स पाओगे और 4 मैक्सिले उसमें पाओगे आप, ठीक है? इसका मतलब सबका सब स्ट्रक्चर जो है सबके सब में ये सेम है, बट जो है इनके सब के माउथ पार्ट जो है वो डिफरेंटली मॉडिफाइड होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फूड हैबिट्स, फॉर डिफरेंट फूड हैबिट्स। जैसे कॉकरोच को अगर आप देखोगे, ये अपने माउथ पार्ट्स को जो है जो टियरिंग एंड जो है क्या कहते हैं इसके माउथ पार्ट इस तरह मॉडिफाई होते हैं कि ये खाने को काट के उसके बाद जो है उसको अपने अंदर ले लेता है, अंडरस्टैंड? आप अगर एक मॉस्किटो को देखोगे आप, जो मच्छर हमारा खून जो पीने के लिए आता है हमें डसता है, तो जो है उसके माउथ पार्ट जो होते हैं वो पियर्सिंग, पहले तो वो छेद बनाता है, उसके बाद जो है वो सक करता है ब्लड को, अंडरस्टैंड? उस तरह वो मॉडिफाई होते हैं। अगर आप बटरफ्लाई को देखोगे तो बटरफ्लाई जो होता है वो साइफोनिंग या सिपिंग फॉर नेक्टर, नेक्टर सिप करने के लिए उसके माउथ पार्ट्स मॉडिफाई होते हैं। तो इस तरह इनके माउथ पार्ट जो है वो डिफरेंटली मॉडिफाई होते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, अंडरस्टैंड? तो अलग अलग जो है उनकी फंक्शन होती है। तो हम अगर हम कहेंगे तो सभी के सभी इंसेक्ट्स का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रह चुका है, तो बट फिर डिफरेंट फूड 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 हैबिट्स होने की वजह से डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रहकर इन्होंने इसको डिफरेंटली जो है मॉडिफाई किया, अंडरस्टैंड? तो स्टडी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स इज द एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसको कहते हैं? एक एंसेस्टर से बहुत सारे रेडिएशन वजूद में आ जाना, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है? यानी एक एंसेस्टर से डिफरेंट जो है वैरायटीज वजूद में आ जाना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड? तो ये था होमोलॉगस ऑर्गन्स का कंसेप्ट मॉर्फोलॉजी में, जो हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स की, किसकी बात करेंगे हम? एनालॉगस ऑर्गन्स की। एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, इनका टोटली एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और इनका ओरिजिन जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी एक एनिमल में, एक ऑर्गेनिज्म में अगर वो एक्टोडर्म से बने हैं तो दूसरे में वो एंडोडर्म से बने हैं, अंडरस्टैंड? स्ट्रक्चर डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट, बट अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन उनका बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है बट फंक्शंस वो उन सब में एक जैसे परफॉर्म करते हैं,
तो ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो जब भी ये बनते हैं इनके डेवलपमेंट में ये डिफरेंट फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो इनका होता है, लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा मैं द विंग ऑफ बर्ड। बर्ड का जो विंग होता है, विंग्स होते हैं, वो एनालॉग्स ऑर्गन्स होते हैं टू द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। देखो दोनों की विंग्स अगर आप देखोगे, एक बर्ड की विंग जो होती है, बर्ड्स विंग आर मॉडिफाइड फोर लिम्स। अभी मैंने आपको फोर लिम्स की बात की, जैसे आपके पास फोर लिम्स है, आगे के बाजू इन बर्ड्स में मॉडिफाई होकर विंग्स बनाते हैं। सो दिस आर मॉडिफाइड फोर लिम्स। इन दीज मॉडिफाइड फोर लिम्स दे हैव अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, दे हैव अ बोन्स, जिस तरह हम में बोन्स है ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, इस तरह इनमें भी होती है, और ये जो है मॉडिफाइड फोर लिम्स होती है। अगर आप विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स देखोगे, ये जस्ट इंटीग्रमेंट्री जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स आर एक्सटेंशंस ऑफ स्किन, ये स्किन के एक्सटेंशंस है। बर्ड का विंग खींचने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक इंसेक्ट का विंग जो होता है जस्ट स्किन एक्सटेंशन होता है, उसको आप जो है मरोड़ सकते हो जस्ट टच करके, इतना सॉफ्ट होता है। और दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, बट दोनों का काम क्या होता है, काम एक ही होता है, फ्लाई करने का, अंडरस्टैंड। इसमें भी बर्ड्स में भी वो मदद करते हैं फ्लाई के लिए, इंसेक्ट में भी मदद करते हैं फ्लाई के लिए। तो एक ही जैसे एनवायरमेंट में रहने के लिए इनको एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स का जो है जरूरत पड़ी, और इस तरह ये इवॉल्व हो गए, इस तरह इवॉल्व हो गए कि उन्होंने डिफरेंट एंसेस्टर्स से जाकर कॉमन जैसे स्ट्रक्चर जो है वो बनाए। दिस इंडिकेट्स एवोल्यूशन, एंड दैट एवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब एक ही, जब डिफरेंट एंसेस्टर से होकर एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स वाले जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आ जाते हैं, इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। एनालॉग्स ऑर्गन्स की मैं जो है दो एग्जांपल्स आपको और बताऊंगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो दूसरी एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, वो है फिन्स ऑफ फिशेस, मछलियों के फिन्स जो होते हैं, किसके काम आते हैं उनको, मूवमेंट पानी में। एंड फ्लिपर्स, फ्लिपर्स किन में होते हैं, वो वेव्स में होते हैं। अगर आप फ्लिपर्स की बात करोगे वेव्स में, तो ये उनके मॉडिफाइड फोर लिंक्स होते हैं, ये उनके लिंक्स होते हैं जो पेंटाडेक्टाइल होते हैं। पेंटाडेक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें जिस तरह हमारे लिंक्स है पेंटाडेक्टाइल, हमारे पास फाइव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर्स होते हैं, और जो फाइव डिजिट्स होते हैं। तो फ्लिपर्स ऑफ वेव्स आर पेंटाडेक्टाइल, बट फ्लिपिंग्स ऑफ फिशेस आर नॉट पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल। एंड flippers of whales are modified forelimbs. This means they have different structure, but both of them, in both of them, the function is same. They help them in the movement in water, swimming in water. Understand? And last example is that of sting. Sting of honeybee, शहद की मक्खी जो होती है, जिससे वो डंक मारती है, sting apparatus जो उसका होता है, and sting of scorpion. यानी जो बिच्छू होता है, दोनों जो है वो डंक मारते हैं। आप बिच्छू को अगर देखोगे, उसके लास्ट वाले एब्डोमेन में सेगमेंट एक मॉडिफाई हुआ होता है, टेल जैसा बनाया हुआ होता है उसने, और ये जो हनी बी है, इसका जो स्टिंग होता है वो इसका मॉडिफाइड ओविपॉजिटर होता है, मॉडिफाइड ओविपॉजिटर होता है। ओविपॉजिटर वो होता है जो एगलिंग के काम इनको आता है, वो इनका सेक्स ऑर्गन होता है, उसी से जो है वो डंक मारते हैं। बट अगर आप देखोगे वो स्कॉर्पियन का, तो बिच्छू का जो लास्ट वाला बॉडी का एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, वही मॉडिफाई हुआ होता है डंक मारने के लिए। तो बोथ, दोनों में स्ट्रक्चर जो है टोटल डिफरेंट है, बट व्हाट इज द फंक्शन, दैट इज सेम इन बोथ ऑफ देम, इट हेल्प्स टू स्टिंग, ये पॉइजन डालने के काम जो है आ जाता है। तो फंक्शन जो है वो सेम है, स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो दैट इंडिकेट्स कि दुनिया में जो है एवोल्यूशन हुआ है, एंड दिस इज द एनालॉग्स ऑर्गन्स व्हिच प्रोवाइड अस द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। टुमारो वी विल स्टडी अदर एविडेंसेस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 30